दोस्तों आप लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर फॉर्म रीवेरीफाइड होने के बाद कितने दिन बाद पैसा मिलता है, कब पैसा मिलता है, चाहे वो वृद्धा पेंशन का फॉर्म हो, विधवा पेंशन का फॉर्म हो या दिव्यांग पेंशन का हो। अगर आपको यूपी की वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिलता है या आवेदन किया हुआ है और आपका फॉर्म रीवेरीफाइड हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है, तो आपको कितने दिन बाद पैसा मिलता है। कई सारे लोगों का फॉर्म अभी पेंशन का पैसा, जैसे ये आपको पता ही है कि जुलाई अगस्त और सितंबर का भेजा जा रहा है, तो कई सारे लोगों का पेंशन का फॉर्म रीवेरीफाइड हुआ है। जो भी नए पेंशनर्स हैं उनका फॉर्म रीवेरीफाइड हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपका फॉर्म रीवेरीफाइड होता है उसके बाद सूची तैयार की जाती है। जितने भी नए पात्र पेंशनर्स हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है। जितने भी आपके ज़िले के नए पात्र पेंशनर्स होंगे उसके समाज कल्याण विभाग द्वारा, आपके संबंधित विभाग द्वारा सूची तैयार की जाएगी। जो भी नए पात्र होंगे, जिनकी जांच कंप्लीट हो चुकी होगी, नए पात्र होंगे, पहली बार पेंशन का पैसा मिलेगा, उनकी सूची तैयार की जाएगी। सूची तैयार करने के बाद पेंशन भेजने के लिए निदेशालय स्तर पर आपका डाटा भेज दिया जाता है, सूची भेज दी जाती है कि इनका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, इनको पेंशन दी जाए। तो यहाँ पर वह निदेशालय स्तर से आपका पेंशन का पैसा भेजा जाता है। तो इसमें मान के चलिए आप 3 महीने का समय लगता है। जब भी आपका फॉर्म रीवेरीफाइड हो जाता है उसके 3 महीने बाद आपको पेंशन का पैसा मिल सकता है। संभावना है कि 3 महीने बाद आपको पेंशन का पैसा मिल सकता है। मान के चलिए जो आने वाली किस्त है, अगली किस्त है, उसमें आपको पैसा मिल सकता है। अब कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका फॉर्म है सितंबर के महीने में ही रीवेरीफाइड हुआ है, तो आप मान के चलिए कि आने वाली जो किस्त है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, उसमें आपको पैसा मिल सकता है। लगभग 3 माह के बाद आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी केसेस में यहाँ पर आपका फॉर्म जैसे कि सितंबर माह में अप्रूव हुआ है, रीवेरीफाइड हुआ है, तो तुरंत ही आपको आने वाली जो किस्त है उसका ही पैसा मिल जाता है। मान के चलिए कि आप जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन आ रही है, उसी में ही पैसा मिल जाता है। कई लोगों के ऐसा भी मैंने देखा है कि कई लोगों के रिफॉर्म रीवेरीफाइड होने के बाद तुरंत ही पेंशन का पैसा आ जाता है। लेकिन जो अधिकतर चांसेस हैं वह आप तो आप मान के चलिए कि 3 महीने आपको वेट करना है। बहुत ही कम चांसेस है कि आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन का पैसा मिल जाए। हालांकि मिलता है, कुछ लाभार्थियों का आया भी हुआ है इससे पहले, तो आपको वेट करना है। अगर आपको इस वाली किस्त में पैसा नहीं मिलता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त में पेंशन का पैसा नहीं आता है, तो आने वाली जो किस्त है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, उसमें आपको पेंशन का पैसा 100% मिलेगा, क्योंकि आपके लिस्ट पहले से ही भेजी जा चुकी है और बेनिफिशियरी बनाने के बाद आपको पेंशन का पैसा आ जाएगा खाते में। तो आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है। जैसे ही यहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर के नए पेंशनर्स का पैसा मिलना शुरू होगा, आपको इसी चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो आप अपना पेमेंट का स्टेटस देख लीजिएगा कि यहाँ पर नए पेंशनर्स आपका नाम है या नहीं है, पहली बार आपको पेंशन का पैसा मिला है या नहीं। अगर नहीं मिलता है तो आपको 3 महीने वेट करना है, आपको अगली किस्त में पेंशन का पैसा मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।